उत्तराखंड के युवाओं ने नकल विरोधी कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है और इसी की क्रम में चंपावत में युवाओं ने अभिनंदन और आभार रैली के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान युवाओं का संबोधन देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले 60 लोगों को जेल भेज चुकी है सरकार। युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के नकल माफिया प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए कैंसर साबित हो रहे थे, जो कि कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकते थे। ऐसे में नकल विरोधी कानून के जरिए इनकी सर्जरी करनी पड़ी है। हम राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, अब कोई धांधली नहीं हो पाएगी। ये सब घपले सालों से चल रहे थे, पहली बार हमने इसके खिलाफ साहस दिखाया और घोटाले करने वालों के खिलाफ जांच कराई और जेल में डाला। कानून है, सबसे सख्त कानून लगाया गया है। इस कानून में अगर कोई पकड़ा जाएगा